आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने यूनिसेफ के अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा कोविड की वजह से माता पिता की हुई मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों की काउंसलिंग के लिए जिले में 4 काउंसलर को किया गया है नियुक्त। यूनिसेफ की टीम काउंसलर को दे रही है प्रशिक्षण। चौरी चौरा क्षेत्र अंतर्गत भोपा बाजार चौराहा पर देवरिया मार्ग हाईवे पर जाम लगाकर उपद्रव एवं आम जनमानस पुलिस बल पर पथराव व तोड़फोड़ करने वाले 4 अभियुक्तों को झगावा चौरी चौरा की संयुक्त पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया खुलासा। गोरखपुर में नागरिकों की सुविधा के लिए आईटी पार्क का हो रहा है निर्माण, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। चौबीस मार्च को तहसील सदर गेट के पार्किंग पर मारपीट करने वाले एक और अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया खुलासा। गोरखपुर में बरसात से पहले नालों की सफाई व बंधों की मरम्मत के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया निर्देश, कहा बरसात के पानी के अस्थायी निदान के लिए शासन को भेजा गया है प्रस्ताव। पांच किलो अवैध गांजा व मोटरसाइकिल के साथ राजघाट पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी सिटी सोनम कुमार ने किया खुलासा। शासन द्वारा परफॉर्मेंस ग्रांच के तहत गांव में हुई है बड़ी धनराशि स्वीकृत, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा हर कार्यों की मेरे द्वारा की जा रही है समीक्षा, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही। दीवानी न्यायालय परिसर में बार एसोसिएशन का चुनाव सकुशल हुआ संपन्न, मनोज पांडे अध्यक्ष तो धीरेन्द्र द्विवेदी मंत्री हुए निर्वाचित, अन्य पदों का रिजल्ट बुधवार व गुरुवार को, बार एसोसिएशन के चेयरमैन ने कहा 94 प्रत्याशी हैं मैदान में, 2548 सदस्यों ने किया वोट। ऑपरेशन ईगल के कार्यों की एसपी सिटी सोनम कुमार ने पुलिस ऑफिस में समीक्षा बैठक कर किया निर्माणाधीन एम्स थाने का स्थलीय निरीक्षण, कहा अभी तक ऑपरेशन ईगल के तहत पूरे जनपद में 50 अभियुक्तों के ऊपर दर्ज हुआ मुकदमा, आगे भी अभियान रहेगा जारी। गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज में दीक्षा पाठ्यचर्या समारोह के दूसरे दिन सुपरिचित काया चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश सिंह ने कहा शोध के सभी मानकों पर खरा सोना है आयुर्वेद, योग्य चिकित्सक बनने के लिए सिद्धांत व व्यवहार दोनों पक्षों पर ध्यान देना है जरूरी। रक्तवीर स्वर्गीय सरदार जोगिंदर सिंह की पुण्यतिथि पर जटाशंकर गुरुद्वारे में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, गुरुद्वारे के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने कहा रक्तदान करने से की जा सकती है 4 लोगों के प्राणों की रक्षा। द कश्मीर फाइल्स मूवी की एक निजी सिनेमा हॉल ने ट्रैफिक पुलिस व पुलिस कर्मियों को निःशुल्क की स्पेशल स्क्रीनिंग, एसपी ट्रैफिक ने कहा मोटिवेशन के लिए जवानों को दिखाई गई मूवी ताकि अच्छे से कर सके अपनी ड्यूटी। जिला महिला चिकित्सालय में NQAS कायाकल्प अवार्ड सम्मान समारोह का किया गया आयोजन, सुविधाओं को उत्कृष्ट बनाने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को किया गया प्रशस्ति पत्र एवं उपहार देकर सम्मानित। उत्तर प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के कर्मचारियों का हड़ताल दूसरे दिन भी रहा जारी, कहा बैंकों के निजीकरण करने की प्रक्रिया को किया जाए बंद। आयकर कर्मचारी महासंघ के तत्वावधान में 14 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल मंगलवार को भी रहा जारी, विभाग में रिक्त पदों की भर्ती एवं पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग।